डिफरेंशिएशन का ही एक रेसिप्रोकल है या उसका ही एक दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का एकदम ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें होती हैं, मोर देन टू थिंग्स, उनको हम एक ही बनाते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो अब इंटीग्रेशन का ये साइन है, यहाँ पर dx दिया हुआ है, dx के पास जब ये वाला साइन लगा हुआ है दैट इज़ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर dy भी दिया हुआ है तो दैट इज़ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy और dx। नाउ इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन इज़ दिस वन, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन में जो लिया था एक्स टू द पावर एन डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस केस में क्या होगा, सेम पावर वाला चीज़ है लेकिन डी एक्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एन प्लस वन और डिनोमिनेटर में एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर जो कांस्टेंट दिख रहा है वो कांस्टेंट हमेशा जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे किसी भी टर्म को, कांस्टेंट को हमेशा इंक्लूड करेंगे तो उसको प्लस सी ऑलवेज लिख के रखेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है ओवर डी एक्स, तो एक्स एज इट इज़ और टू प्लस वन और डिनोमिनेटर में टू प्लस वन प्लस सी, तो ये आ गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी।